क्रीमी कॉफी। I used to love this coffee. So, आज दूसरा दिन है। कल इतना ज्यादा मैं थक गया था कि खाना खा के ही मैं सो गया। मुझे ऐसा लगता है कि आप जब ज्यादा वर्कआउट करते हैं ना, एक्सरसाइज जब ज्यादा करते हैं तो नींद भी बड़ी अच्छी आती है। आपको तो पता है कि मेरे घर में जो मेरे बाथरूम में शीशा था वो टूट गया था। मेरे कार में मेरे बाइक का एक शीशा ये पड़ा हुआ था। मुझे अचानक से क्लिक हुआ क्योंकि इतना धूप है, देखिए इतने धूप में नीचे मार्केट खुला हो ना खुला हो जाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। फिर लगता है छोड़ो यार, बढ़ रहा है तो बढ़ने दो। फिर मेरे को याद आया कि अरे मेरे कार में एक शीशा पड़ा हुआ है, तो मैं फट से गया नीचे और जा करके कार में से आगे ही पड़ा हुआ था वहां से निकाल के लाया। अरे यार, कभी कभी आलस जो है ना वो आपको इतना अच्छा चीज दिखाएगा या इतना अच्छा चीज आपको इंट्रोड्यूस करेगा ना कि आप कहोगे कि क्या बात। अभी क्या हुआ, मैंने दाढ़ी वाड़ी बना लिया, नहा धो लिया, उसके बाद फिर मुझे खाना बनाने का मन नहीं कर रहा था और टाइम हो रहे थे कुछ, अभी 2:30 बज गए हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं सिर्फ राइस बना लेता हूँ। वही किया, सिर्फ राइस बनाया, उसके बाद और कुछ बनाने का मन नहीं कर रहा था। इसलिए कुछ भी बनाने से पहले मुझे पूरा बर्तन धोना पड़ेगा। गाइस ये देखिए, ये मैंने अभी राइस और दही को मिक्स किया है और साथ में थोड़ा सा नमक स्प्रेड किया अकॉर्डिंग टू टेस्ट। भाई साहब आप मानोगे नहीं, जब मैंने इसका पहला निवाला अभी लिया ना, ये टेस्ट मुझे मेरे बचपन में लेके गया। पता है पहला निवाला मैंने बस ऐसे स्पून से उठाया और डाला और मेरी जो मेमोरी थी वो चली गई गांव में। जब मैं बच्चा था तब कभी कभी दादी मुझे दही और चावल ऐसे मिक्स करके देती थी। And I used to have this. 2000 years later. भाई दही चावल खाने के बाद जो नशा आया है ना, मैं पूरी तरह से फ्लैट हो गया। मैं बात करने वाला था ना मेमोरी की, मेमोरी में ऐसा गया। बचपन में भी ऐसा होता था कि खाना खाने के बाद दोपहर में सुला दिया जाता था जबरदस्ती, वरना मेरा कभी रिकॉर्ड ऐसा नहीं रहा है कि दोपहर में मैं सोऊं। भाई कब कैसे नींद आई मुझे और इतनी गहरी नींद आई, अभी उठाऊं तो ये सर मेरा जो है ना बहुत भारी सा महसूस हो रहा है। अभी मैं इस बुक को पढ़ रहा था, पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। इस बुक में एक जगह पे राइटर ने ये बताया है कि हम किसी भी चीज को, हमारे दिमाग में जो मेमोरी स्टोर होती है वो किसी स्मेल से, जैसे कोई परफ्यूम का स्मेल हो गया, कोई गंदगी, कोई बदबू, या कोई दिन, या कोई सामान, इस तरह की कुछ चीजों से हम किसी चीजों को याद रखते हैं। हमारा जो सेंस मेमोरी होता है वो यही करता है कि जब वो सेम चीज हमको दोबारा से महसूस होती है तो हमें पुरानी चीजें याद आती हैं। जैसे वो टेस्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने दही चावल खाया और वो दही चावल का जो टेस्ट था वो सेम वैसा ही टेस्ट था जैसा टेस्ट मैं बचपन में खाता था। देखिए सोया हुआ था, इसी दरमियान फ्लिपकार्ट से मेरा ये प्रोडक्ट आ चुका है। इस प्रोडक्ट की हम करेंगे अनबॉक्सिंग। अरे खुल जा मेरे भाई, डन। So this is my Muscle Blaze Biozyme Whey Protein. ये जो प्रोटीन है, this protein is only made for the Indian man because it absorbs 50% faster than the other protein, जो whey protein हम लेते हैं. It is clinically tested. पिछली बार भी मैंने मार्च में जब एक बार प्रोटीन मंगवाया था, मेरा प्रोटीन खत्म होने वाला था और मैंने प्रोटीन मंगवाया था तो लॉकडाउन लग गया था, और इस बार भी ऐसा ही हुआ। अब मैं तुझे खा के कहाँ जाऊंगा भाई। मुसीबतों का पहाड़ जब गिरता है ना तो एक साथ बहुत सारी गिरते हैं। अब देखो 7 दिन की छुट्टी ली थी आंटी ने और अब मुझे घर का सारा काम खुद करना पड़ रहा है। ये देखिए इतना सारा बर्तन मैंने खुद ने धोया है, ये पूरा जो दिख रहा है ना आपको। और अभी मेरा हाथ देखो कैसा हो गया, बिल्कुल सिकुड़ सा गया, मतलब वाट लगे लिया। एक तो कोरोना की वजह से बाहर नहीं जा सकते, फ्रस्ट्रेशन लेवल ऐसे ही बढ़ा हुआ है।
मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या आप लोगों ने कभी ये सिचुएशन फेस किया है कि दिन में यू फील सो स्लीपी 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 और रात में आपके अंदर अचानक से एक मॉन्स्टर वाली एनर्जी आ जाती है? मतलब भाई साहब, आई एम कंस्टेंटली ट्राइंग टू स्लीप आधे घंटे से, तो मतलब मैं बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा हूँ। 12 बजे मैं बेड पे चला गया था और तब से मैं कोशिश कर रहा हूँ। अभी देखा मैंने कि कितना बजा है, तो देखा मैं 1:30 बज गए, मैं सो नहीं पा रहा हूँ। मेरे अंदर रात में यू नो सनसेट होने के बाद आई गॉट एकदम एक्सट्रीम वाला एनर्जी, और उसके बाद लगता है कि ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ऐसे कर लूँ, वैसे कर लूँ, और बहुत सारे काम मैनेज कर लेता हूँ। दिन में इतना स्लीपी महसूस होता है, एक तो सुबह नींद नहीं खुल रही आजकल, और दूसरे में जब सो के उठ भी जाओ अपने आप को किसी भी तरह से मोटिवेट करके, पता नहीं क्यों पूरे दिन ऐसे डाउजी डाउजी सा फील होता रहेगा। आई डोंट नो। वेल, अभी मैं स्ट्रगल करता हूँ सोने के लिए, क्योंकि रोज सुबह मैं ये स्ट्रगल कर रहा हूँ आजकल उठने के लिए, लेकिन आज रात को मैं यही स्ट्रगल कर रहा हूँ कि मैं सो जाऊं। एंड दिस इज मोस्ट प्रोबेबली बिकॉज मैं दोपहर में आज सो गया था दही चावल खा करके। सो गाइज, ये वीडियो यहीं तक था। अब मैं कोशिश करता हूँ सोने का, होप है आप लोगों को पसंद आई होगी। यहाँ तक आपने वीडियो देखा है, आई डोंट नो, लाइक बटन प्रेस हो जाना चाहिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटा बजाना मत भूलना, ओके? क्योंकि घंटा बजाओगे ना तो मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलेंगे। चलो, तब तक डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, जस्ट टेक केयर, बाय बाय, लव लव।